बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का नाम आजकल उनके 10 साल छोटे अमेरिकन सिंगर निक जोनास के साथ जुड़ रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रियंका का नाम बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ चुका है। जी हां, प्रियंका ने अक्षय कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया है। अंदाज, मुझसे शादी करोगी, एतराज और वक्त जैसी कई फिल्मों साथ करने के बाद इन दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ काफी बढ़ गया था और खबरों की माने तो नौबत यहां तक आ गई थी कि अक्षय की पत्नी यानी कि ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने अपने हस्बैंड अक्षय को कर दिया था प्रियंका के साथ काम करने के लिए स्ट्रिक्ट नो। उसके बाद पिगी चॉप्स का नाम जुड़ा बॉलीवुड एक्टर हरमन बवेजा के साथ। जानकारी के लिए बता दें ईयर 2050 में हरमन ने प्रियंका चोपड़ा के साथ एक लव स्टोरी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और उनकी फिल्म आखिरकार फ्लॉप हो गई, जिसके चलते इन दोनों के बीच काफी दूरियां बढ़ गई। इसके अलावा खबरें तो ये भी थीं कि प्रियंका और शाहिद के बीच रोमांस काफी जोरों पर चला। कुछ टाइम के लिए खबरें ने इतना जोर पकड़ा कि प्रियंका चोपड़ा के घर से स्पॉट किया गया था अर्ली मॉर्निंग शाहिद कपूर को। हालांकि बाद में इन दोनों स्टार्स ने इस बात का खंडन किया और कहा कि वो सिर्फ एक अच्छे को-स्टार्स हैं और कुछ भी नहीं। वेल, सिर्फ इतना ही नहीं, पिगी चॉप्स की लाइफ में और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। जी हाँ, आपको बता दें बी टाउन की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का नाम हॉलीवुड एक्टर गेरार्ड बटलर के साथ भी जुड़ चुका है। खबरों की माने तो जब गेरार्ड बटलर इंडिया आए थे प्रियंका से मिलने, उनके एक फिल्म सेट पर पहुंच गए थे और उस दौरान वो किसी होटल में नहीं बल्कि पिगी चॉप्स के घर में ही रुके थे। वेल, प्रियंका का दिल बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान पर भी आ गया था। जी हाँ, हम समझ सकते हैं आपके लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल फिल्म डॉन के दौरान इन दोनों के बीच काफी करीबियां आ गई थीं। दोनों वक्त से एक साथ स्पॉट किए जाने लगे और तो और खबरों के अकॉर्डिंग तो शाहरुख खान की पत्नी गौरी को जैसे ही पता चला कि उनके हस्बैंड से पिगी चॉप्स बनाने वाली हैं नज़दीकियां, तो उन्होंने फटाफट से प्रियंका को अपने घर पर बुलाकर अच्छे से समझाया कि वो उनके पति से दूर रहें। इसके बाद प्रियंका ने शाहरुख से दूरी बना ली और फिर इन दोनों का कॉन्टैक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वेल, आपको क्या लगता है किसके साथ प्रियंका की जोड़ी हो सकती थी हिट? तो वहीं निक जोन और प्रियंका के रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम लाइव न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।